उपचुनाव में प्रचार का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और जंग अहमदाबाद में अब तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आपको अहमदाबाद की जनता से वोट की अपील करते भी नजर आएंगे। तो अहमदाबाद उपचुनाव के लिए अब कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट तैयार कर ली है और जारी भी कर दी है। इसमें हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है उनके नाम शामिल है। कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के पक्ष में ये 20 स्टार प्रचारक वोटों की अपील करते रहेंगे और प्रचार करते रहेंगे जब तक वोटिंग का दिन नहीं आता। तो ये स्टार प्रचारक जो इनमें सबसे पहले नाम हम ले तो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल का नाम सामने आता है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा का नाम है। भूपेंद्र हुड्डा का नाम शामिल है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी शामिल है। तो विवेक बंसल जो हम दिखा रहे हैं आपको अहमदाबाद के रण में कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है और कुमारी सैलजा भी स्टार प्रचारक की भूमिका अपनी निभाती नजर आएंगी और पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में। रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस मीडिया प्रभारी है कांग्रेस के, वो भी स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते नजर आएंगे अहमदाबाद के उपचुनाव में। कुलदीप बिश्नोई का भी नाम है, वो भी अहमदाबाद के उपचुनाव में चुनावी प्रचार करेंगे पवन बेनीवाल के लिए। किरण चौधरी भी यहाँ स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा सांसद हैं वो भी अहमदाबाद के रण में उतरेंगे और पवन बेनीवाल के लिए वोटों की अपील करेंगे। कैप्टन अजय यादव का भी नाम इसमें शामिल है। एक एक करके हम पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। जयवीर वाल्मीकि का भी नाम इसमें है। जयवीर वाल्मीकि भी अपनी ओर से प्रचार करेंगे, पवन बेनीवाल के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। शीशपाल केहरवाल ये भी जो विधायक है कांग्रेस के, वो भी अपनी ओर से प्रचार करते नजर आएंगे। अमित सिहाग भी प्रचार करते नजर आएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। इसके साथ ही बिशन लाल सैनी ये भी प्रचार करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए और उम्मीद है कांग्रेस को जीत की, इसलिए उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील सुशील इंदौरा भी करते नजर आएंगे। इसके साथ ही अगला नाम है चरणजीत सिंह रोड़ी का, ये भी अपील करते नजर आएंगे वोटों की अहमदाबाद की जनता से कि कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में वोट जरूर करें। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वो भी यहाँ पर उतरेंगे अहमदाबाद के उपचुनाव में और वोटों की अपील करेंगे। विजेंद्र कुमार जो कि बॉक्सर भी रहे चर्चित, वो भी चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए। अब भूपेंद्र गंगवा भी ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं, उनका भी नाम इसमें आता है। बजरंग दास गर्ग भी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए ये भी प्रचार करते नजर आएंगे। शमशेर सिंह गो की भी प्रचार करते नजर आएंगे। तो ये एक एक करके हमने पूरी लिस्ट आपको दिखाई है कौन कौन से नाम इसमें शामिल है। हमारे साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल मोर, ये जो लिस्ट जारी की है, ये जो सभी बड़े नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, जल्द ही ये अहमदाबाद उपचुनाव के लिए प्रचार करते नजर आएंगे, तो कह सकते हैं कि अब हरियाणा कांग्रेस एकजुट होकर प्रचार करेगी अपने उम्मीदवार के लिए? बिल्कुल कमल, देखिए हरियाणा कांग्रेस की तरफ से अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 20 नेताओं की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। इस लिस्ट में हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, जिनमें बात करें प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई स्टार प्रचारक, वहीं दीपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, अजय यादव को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें बॉक्सर विजेंद्र, एक बड़े खिलाड़ी रहे, उनको भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया है। यानी कांग्रेस में पूरे जाति के समीकरणों को देखते हुए और नेताओं के कद को देखते हुए उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी। अशोक अरोड़ा जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, थाने सर से कई बार विधायक बने, उनको भी स्टार प्रचारकों की जगह दी गई। इसके अलावा जयवीर वाल्मीकि जो खखोदा से विधायक है, चक्रवर्ती शर्मा जो ब्राह्मण नेता है, इनको भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है। तो क्या यहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं अहमदाबाद के, वहां पर ये चुनावी प्रचार करते स्टार प्रचारक अलग अलग तरीके से नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर कांग्रेस की तरफ से जो स्टार प्रचारक अपने अपने कार्यक्रम के हिसाब से, अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा की, वो 12 तारीख से चुनाव प्रचार में उतरने जा रही है। 12 तारीख से उनके कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इसके अलावा जो दूसरे बड़े नेता है, जो स्टार प्रचारक है या जो दूसरे नेता है, वो भी अपने अपने कार्यक्रमों के हिसाब से चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, आपने जानकारी दी और बताया कि 12 अक्टूबर से कुमारी सैलजा के भी कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे चुनावी प्रचार के। तो हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन सभी के लगभग नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जो स्टार प्रचारक की लिस्ट आपके भी सामने है।